हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन एकेडमी। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम प्रीवियस पेपर आरआरबी मेंस के चार इम्पॉर्टेंट, ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं, हर सैटरडे और संडे एसएन एकेडमी में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स और जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारा वीडियो आता रहेगा, तो आपको ज़रूर देखना है। कंप्लीट पैकेज के लिए एसएन एकेडमी के सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, स्पेशल क्वालिटी जर्नी, सिनेमा साइलेंस एजुकेशन, मेडिकल टारगेट डेंजर। सो यहाँ पे मेरे पास पांच क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ये क्वेश्चन आने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ये कंप्लेंट डाला था कि ये क्वेश्चन गलत है, इन द सेंस के ये जो क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके साथ कोई रिलेट नहीं करता। बट मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न एक्चुअली। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बिल्कुल अलग वर्ड्स को डिकोड करना है। सो तरीका कुछ इस तरीके से है, स्पेशल क्वालिटी जर्नी, उसके लिए कोड दिया गया है 15E 41U 31A और साथ ही साथ यहाँ पे पूछा गया है स्टेटमेंट, रेपुटेशन, लैंग्वेज, एक्सक्लूशन, क्लाइमेट। ये पांच वर्ड को डिकोड करना है, बट ये पांच ही वर्ड यहाँ पे पूरे में कहीं पे भी नहीं है। बोलने का मतलब है, जो पांच वर्ड गिवन है ये पूरे चार्ट में कहीं पे भी इसको हम डिकोड नहीं कर सकते। तो तरीका क्या है, तो देखते हैं। स्पेशल क्वालिटी जर्नी के लिए बोला गया है 15E 41U 31A। सो यहाँ पे जब भी आपके पास कोई नंबर और अल्फ़ाबेट्स के मिक्सचर होता है तो आपको देखना है कि जो वो अल्फ़ाबेट है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको हम कैसे गिवन वर्ड्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे ए है, राइट? तो हम इसको हर एक वर्ड में ढूंढते हैं कि ये जो तीन लेटर है वो तीन, सारे तीन वर्ड्स में किस पोजीशन में बैठा होगा, राइट? ई यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई यहाँ पे, राइट? यू, यू इस वर्ड में है ही नहीं, इस वर्ड में सेकंड में बैठा है, थर्ड में बैठा है और यहाँ पे सेकंड में बैठा है। और लास्ट बचा ए, तो ए यहाँ पे फिफ्थ में है, यहाँ पे थर्ड में है, यहाँ पे है ही नहीं, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो हम पर्टिकुलर ई को, इसको पकड़ते हैं और इसी को हम कंसिडर करते हैं कि ई इस वर्ड के थर्ड के लिए ई यहाँ बैठा है, तो फिर यू कहीं एक जगह पे थर्ड पे बैठा होना चाहिए, तो यू यहाँ पे थर्ड पे है और ए यहाँ पे थर्ड पे है। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप हमेशा किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को जो गिवन कोड है उसके साथ मैच कराने की कोशिश करो। अगर वो थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन कहीं पे भी आता है, अगर ये फिफ्थ में आता तो मैं फिफ्थ के लिए यू को किसी एक वर्ड में मैच कराती, अगर नहीं होता है तो ई को मैं फिर यहाँ चेक करती, फिर मैं यहाँ चेक करती। तो पर्टिकुलर एक ही कोड को लेके आप चेक करते रहो, जिस पोजीशन के लिए वो सेट है वो उस पोजीशन के लिए ये दोनों लेटर भी सेट होना चाहिए, अगर मैच हो रहा है तो पैटर्न सही है। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि ये ई स्पेशल के लिए है क्योंकि इसका पोजीशन थर्ड है, यू जर्नी के लिए है क्योंकि यू का पोजीशन थर्ड में है और ए का पोजीशन क्वालिटी में थर्ड में है, तो ये जो लेटर गिवन है वो सारे थर्ड थर्ड पोजीशन के लिए गिवन है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी चेक करती हूँ, एन, एन सिनेमा के थर्ड में आ रहा है, यू एडुकेशन के यू में आ रहा है, एल साइलेंस के एल में थर्ड पोजीशन में आ रहा है, डी मेडिकल के डी थर्ड पोजीशन में आ रहा है, आर टारगेट के थर्ड पोजीशन में आ रहा है और एन डेंजर के एन पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में आ रहा है। सो हर एक लेटर मुझे मिल चुका है जो कि थर्ड पोजीशन से लिया गया है। अब हमें चेक करना है कि ये डिजिट्स किस बेसिस पे दिया गया है, जो डिजिट्स गिवन है लेटर के साथ वो किस बेसिस पे दिया गया है। तो 15 है, तो हमेशा आप चीज़ एक चीज़ याद रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और नंबर और लेटर्स के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये होता है या तो कॉन्सोनेंट के पोजीशन के नंबर्स को ऐड किया गया है या फिर वावल के जो अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर है उनके नंबर्स को एडिशन करके बनाया जाता है। जैसे कि ई,
ई के लिए मैंने इसको ऑलरेडी मार्क कर चुकी हूँ क्योंकि स्पेशल के थर्ड पोजीशन में ई था, तो यही से 15 को बनाया गया होगा, 15 जो है वो भी यही से बनाया गया होगा। तो यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है। अब एस अकेले ही 19 पोजीशन होल्ड करता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, अगर मैं बात करूँ तो एस खुद 19 ऑर्डर में आता है, बट यहाँ पे 15 है तो एडिशन में तो ये बहुत बड़ा हो गया, एक ही लेटर से वो बहुत एक्सेस हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वाउल के पोजीशन को एडिशन करना है। तो वाउल के पोजीशन में ई कितने में आ रहा है, 5 i 9 a 1, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो कितना हो रहा है, 15, तो मुझे 15 मिल गया। सिमिलरली मुझे यू जर्नी से मिला है, तो यू के जर्नी के जितने वाउल्स हैं उनके नंबरिंग पोजीशन को मैं ऐड कर रही हूँ। तो ओ कितने में आ रहा है, 15, राइट, यू आ रहा है 21 और ई आ रहा है 5 में। मैं अगर इनको ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 41, तो मुझे यहाँ पे 41 मिल गया। क्वालिटी के ए 1 i 9, राइट, अगर मैं इन दोनों को, अच्छा यू भी है, यू 21, तो 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 9 31, तो 31 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो जो ऑर्डर बनाया गया है वो वाउल की पोजीशन को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में उसके नंबरिंग पोजीशन को एडिशन करके ये मुझे नंबर्स दिया गया है, और वर्ड्स के थर्ड पोजीशन में जो लेटर बैठा है उसको यहाँ के साथ डिजिट्स के साथ कम्बिनेशन बनाया गया है। तो ये पूरा पैटर्न पता चल गया है, तो हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सिनेमा, तो एन इसके लिए था, तो आई 9 e 5 a 1, तो 10 15 15 आ गया। एडुकेशन में e 5 u 21 a 1 i 9 o 15, राइट, तो टोटल हो रहा है 51, तो ये 51 यू है। ठीक है, इस तरीके से मुझे सारा एडिशन करना है। तो जब आप एक बार एक वर्ड या दो वर्ड, तीन वर्ड, पांच वर्ड हमने डिकोड कर लिया और मैचिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है और हम ये सारे वर्ड्स को डिकोड कर सकते हैं इजीली, राइट। एक हम चेक करते हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में a 1 e 5 e 5, ठीक है, स्टेटमेंट में वाउल्स इतने ही है, और थर्ड पोजिशन में कौन बैठा है, ए, तो आंसर क्या होगा, 11 a, ठीक है। नेक्स्ट रेप्यूटेशन, e 5 u 21 a 1 i 9 o 15, ठीक है, अगर हम एडिशन करते हैं तो कितना हो रहा है, 10 और यहाँ पे 20, दैट इज़ 151, तो 51 के साथ क्या आएगा, p, क्योंकि रेप्यूटेशन के थर्ड पोजिशन में p बैठा है। लैंग्वेज, 1 u के लिए 21, a के लिए 1, e के लिए 5, तो कितना हो रहा है, 5 6 7, तो टोटल 28 और n, ठीक है, 28 n, क्योंकि लैंग्वेज के थर्ड पोजीशन में n है। एक्सक्लूशन, e 5 में आ रहा है, ठीक है, u आ रहा है आपका 21 पोजीशन में, i आ रहा है 9 में, o आ रहा है 15 में, इसको एडिशन करना है और उसके साथ क्या जाएगा, c, ठीक है। तो इस तरीके से वाउल की पोजीशन के हमें एडिशन करना है, साथ ही साथ हमें वर्ड के थर्ड पोजीशन के लेटर को चूज़ करके उनका कॉम्बो बनाना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आरआरबी मेंस का ही है और प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक बार हम चेक करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट स्लीप वॉशिंग वर्ल्ड स्टोरीज मूविंग पार्टली फॉल्स ऑब्जेक्ट, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि रेडियो को डिकोड करो, राइजिंग नॉर्मल को डिकोड करो, दे फॉरवर्ड डैश इज कोडेड एज P5I3U3 फॉर विच कोड एंड एलिगेंट एंड थार्ड, ये 5 वर्ड्स हैं जिनको आपको डिकोड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस क्वेश्चन में भी कोई सिमिलरिटी नहीं था, मतलब जो गिवन है उससे हम इसको डिकोड नहीं कर सकते विदाउट लॉजिक, किसी एक लॉजिक के बेस में उन्होंने इसको कोड गिवन है, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें इन सारे वर्ड्स को डिकोड करना है, राइट। तो शुरू करते हैं। सो एंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट का कोड है F5P3P3O3। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे दो कोड ऐसे हैं जो कि रिपीट है, मतलब
रिपीटेड मुझे नंबर्स पे फोकस नहीं करना है, रिपीट करना है, रिपीटेड जिस पे हमें फोकस करना है वो है लेटर। तो यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है। तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट क्वेश्चन में कि उन्होंने थर्ड पोजीशन से वो लेटर को चूज़ किया है, तो यहाँ पे भी कुछ थर्ड या फोर्थ का कुछ फंडा है, हम चेक करते हैं। तो पी पहले में कहीं पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ इसके फर्स्ट पोजीशन में है। तो अगर पी इस वर्ड के फर्स्ट पोजीशन से लिया गया है तो दूसरा पी भी किसी एक के फर्स्ट पोजीशन से लेना चाहिए, बट यहाँ पे किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स में कहीं पे भी फर्स्ट पोजीशन में पी नहीं है। तो क्या 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 लॉजिक है इसमें? तो पी को हम और एक तरीके से सोचते हैं कि यहाँ पे भी अगर दोनों लेटर में सिमिलरिटी है तो वर्ड्स में भी कहीं पे कुछ सिमिलरिटी ज़रूर होना चाहिए। तो मैं अगर इस वर्ड के साथ इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन में यहाँ पे एक एन है, तो एन के साथ एम एन ओ पी मतलब प्लस टू, एन के साथ दो प्लस करती हूँ तो पी आता है। बट यहाँ पे एन पोजीशन बैठा है, एंटायर के सेकेंड पोजीशन में एन है और मनी के थर्ड पोजीशन में एन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज़ अगर हम देखें, मनी और बोर्ड के दोनों के ही सेकेंड पोजीशन में ओ बैठा है, राइट? ध्यान से देखो आप, मनी के भी सेकेंड पोजीशन में ओ है और बोर्ड के भी सेकेंड पोजीशन में ओ है। तो इस कंडीशन में ओ के साथ अगर मैं प्लस वन करूँ तो पी आता है, ओ के साथ प्लस वन करूँ तो पी आता है, राइट? तो इन दोनों कंडीशन में मुझे पता चल रहा है कि सेकेंड लेटर के साथ उन्होंने प्लस वन किया हुआ है। अच्छा, तो ये थ्री अब किस लिए आया है? और सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी देखती हूँ, चेक करती हूँ कि ई के साथ प्लस वन करूँ तो एफ आता है, हाँ एफ गिवन है, और एन के साथ प्लस वन करूँ तो ओ आता है, हाँ ओ भी मुझे मिल गया। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब लेटर का क्या फंडा है? अच्छा, लेटर में अगर मैं देखूँ यहाँ पे थ्री है, तो अगर मैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला कि आपके वाउल के पोजिशंस को ऑर्डर को प्लस करना है, तो ओ इट्सेल्फ 15, राइट? तो 15 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 है। अगर मैं 15 को एडिशन भी करूँ, मतलब इंडिविजुअल नंबर को लाइक 1 प्लस 5 करूँ तो भी 6 आ रहा है, तो भी नहीं जा रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 1, 2, तो वो भी नहीं जा रहा है, तो 3 है। तो मनी के अगर मैं वर्ड्स को कैंसिल कर दूँ तो बचा है 3 कॉन्सोनेंट, राइट? 3 कॉन्सोनेंट है, तो शायद ये लॉजिक है कि 3 कॉन्सोनेंट यहाँ पे, कॉन्सोनेंट के लिए वहाँ पे उन्होंने 3 को बिठाया है। तो इसी अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ओ और ए को कैंसिल करूँ, बी आर डी 3 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट? तो ये भी सही है। तो परफेक्ट के लिए भी सेम होना चाहिए। तो हमने ई के लिए एफ करा था, तो ई वावल कैंसिल हो गया, ई वावल कैंसिल हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो 5 आ रहा है। एंटायर में ई को कैंसिल करो, आई को कैंसिल करो, ई को कैंसिल करो, तो 1, 2, 3, 3 कॉन्सोनेंट है, हाँ ओ 3। तो लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ सेकेंड पोजिशन के लेटर के साथ हमने प्लस वन किया। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो एल है, ए है, ओ है एंड टी है। टी के लिए यू आ गया, ओ के लिए पी आ गया, ए के लिए बी आ गया और एल के लिए एम आ गया। इसके बिल्कुल नीचे नीचे गिवन था, राइट? और मैंने बोला था कॉन्सोनेंट काउंट करना है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा? डबल ई, ट्रिपल ई को कैंसिल कर दो तो एस एल बी, तो यहाँ पे 3 सही है। ए को कैंसिल करती हूँ, आई को कैंसिल करती हूँ और तो कुछ है नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 ही है। वर्ल्ड से ओ को कैंसिल करती हूँ और बाकी 4 ही कॉन्सोनेंट है, तो 4 मिल गया। स्टोरीज के ओ को कैंसिल करती हूँ, आई को कैंसिल करती हूँ, ई को भी कैंसिल करती हूँ, तो 1, 2, 3, 4। टी इट्सेल्फ काउंट होगा, दो टीज सेकेंड पोजिशन कैरी कर रहा है, बट हमें उसको भी काउंट करना है बिकॉज इट्स अ कॉन्सोनेंट। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। सिमिलरली ये भी ऐसे सॉल्व किया होगा, ओ है तो पी आ गया, ए है बी आ गया, ए है अगेन बी आ गया, बी है सी आ गया। और मैं अगर इसका चेक करूँ, 5 बोला है कॉन्सोनेंट, ओ को कैंसिल करना है, ई को कैंसिल करना है, सो 1, 2, 3, 4, राइट? तो यहाँ पे ये गलत है, या तो ऑब्जेक्ट्स था शायद, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए गिवन है। पार्टली में ए कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब कुछ है, तो 1, 2, 3, 4, 5,
फाइव है तो यहाँ पे फाइव मिल गया, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, वन टू थ्री फोर तो बी फोर है, मूविंग में ओ कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, वन टू थ्री फोर तो पी फोर, राइट। तो सारा मैच कर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें मुझे क्या करना था, सेकेंड पोजिशन के साथ मुझे सेकेंड पोजिशन के साथ प्लस वन करना है। तो क्या हो जाएगा, रेडियो के लिए ए के साथ बी आ जाएगा, राइट। और मुझे क्या करना है, वावल्स को कैंसिल करना है। कितने कॉन्सोनेंट है, दो, तो आंसर हो जाएगा बी टू। राइजिंग नॉर्मल क्या हो जाएगा, आई के लिए क्या आ जाएगा, जे नॉर्मल, ओ के लिए क्या आ जाएगा, पी। अच्छा, वर्ल को पहले कैंसिल कर देते हैं, तो वन टू थ्री फोर तो फोर जे फोर, और यहाँ पे दोनों वर्ल को कैंसिल कर दिया, वन टू थ्री फोर तो जे फोर पी फोर इज द आंसर। अब पूछा गया है कि दे फॉरवर्ड इट इज कोडेड एज पी फाइव आई थ्री यू थ्री, तो हम चेक करते हैं सेकेंड पोजीशन के लिए एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं यहाँ से ई को कैंसिल कर दूँ, तीन कॉन्सोनेंट है इसलिए आई थ्री, राइट, ये सही है। फॉरवर्ड में ओ है तो ओ के बदले क्या आना आएगा, पी आएगा, तो पी यहाँ पे है, हम कैंसिल करते हैं वावल्स को, वन टू, ठीक है, तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो पी फाइव आ गया, बिल्कुल करेक्ट। तो अब बोला है कि यू थ्री है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के जो वर्ड्स थे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखा है, तो डेफिनेटली जो वर्ड होगा उसके यू से एक माइनस करना है। तो यू कितना है, 21 नंबर पे आता है, 20 पे आता है टी, तो जो भी वर्ड होगा वो उसके सेकेंड लेटर में टी होना चाहिए, राइट। और थ्री है मतलब कॉन्सोनेंट जो होगा उस वर्ड में वो कितने होने चाहिए, थ्री, तो थ्री कॉन्सोनेंट होगा और उस वर्ड के सेकेंड लेटर में टी बैठा होगा, राइट। नेक्स्ट है एलिगेंट एंड थॉट। तो एलिगेंट में हमें क्या देखना है, एलिगेंट में हमारे पास है एल, तो आ जाएगा ओ। अच्छा, एलिगेंट में पहले हम वाउल्स देखते हैं, वन टू थ्री, तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, तो आंसर हो जाएगा एम फोर, राइट। एंड थार में एच है तो आ जाएगा आई, और एक कैंसिल हो गया तो बचा थ्री, तो एम फोर आई थ्री। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोडिंग डिकोडिंग से तो है बट लॉजिकली हमें इसको सोचना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल यू याद रखना है, और साथ ही साथ आपको पहले जो मैंने अभी बताया कि कॉन्सोनेंट और वावल के एडिशन के नंबर्स और साथ ही साथ उनके प्लेस ऑर्डर को भी आपको काउंट करके एक बार चेक करना है कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका पैटर्न प्रीवियस दो क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, बट ये आरआरबी 16 के मेंस का क्वेश्चन है। इनसाइट रिजल्ट हैप्पी स्पिरिट, उसके लिए कुछ कोड्स दिया गया है। पिक्चर डाउन मॉर्निंग इनसाइट कोड गिवन, हैप्पी पिक्चर गुड स्पिरिट, स्पिरिट विन मॉर्निंग स्पार्क। तो ये चाइनीज कोडिंग टाइप में दिया गया है, तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर एक एक वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिकोड करना है। तो पहला क्वेश्चन है गुड वे डाउन, गुड वे डाउन को उन्होंने कैसे कोड किया गया है। तो मुझे पहले ढूंढना है गुड कहाँ पे है, तो इनसाइड रिजल्ट हैप्पी स्पिरिट पिक्चर डाउन मॉर्निंग गुड, राइट। सो गुड मुझे यहाँ पे मिला है। उसके बाद है वे, तो स्पिरिट विन मॉर्निंग स्पार्क। तो एक चीज़ ख्याल करो, गुड जो है वो हमें एक ही लाइन पे मिला है, मतलब उसका जो कोड होगा वो यूनिक कोड होगा। इसके बाद है वे, वे मुझे कहाँ पे मिला, यहाँ पे, तो वे जो है वो कहीं पे भी मुझे नहीं मिला, राइट। नेक्स्ट डाउन, पिक्चर डाउन मॉर्निंग स्पिरिट इनसाइड, तो मुझे यहाँ पे डाउन मिला, हैप्पी पिक्चर गुड स्पिरिट स्पिरिट विन मॉर्निंग स्पा। तो गुड के लिए क्या कोड होगा, ऐसा एक कोड जो कि कहीं पे भी रिपीट नहीं है, यूनिक कोड है, तो टी ई ए ई यू ई सी ई। तो एक बार हम चेक करते हैं, यू ई मुझे ऑलरेडी दिख चुका है फर्स्ट में, मैं एक बार ये चीज़ फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो एग्ज़ाम में आप ज़रूर एक बार उसके कोड्स को रफ शीट में ज़रूर लिखो, और बहुत ही आराम से, कंजूसी नहीं करना है कोडिंग डिकोडिंग के टाइम में, आपको रफ शीट में प्रॉपरली उसको लिखना है, क्योंकि आपको ही बहुत
आपका टाइम उल्टा सेव होगा। हाँ, भले आप इसको नोट डाउन करने के टाइम आपका थोड़ा सा टाइम जा रहा है, बट आप श्योर रहो आपकी जो 5 क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली सॉल्व होंगे और सही तरीके से सॉल्व होंगे, राइट? तो देखते हैं, डाउन के लिए मैंने यहाँ पे, मुझे गुड के लिए एक बार चेक करना था, टी ई ए ई, तो टी ई भी मुझे दिख गया यहाँ पे, राइट? और यू ई भी दिख गया। दिखा क्यों? क्योंकि मैंने कोड उसको प्रॉपर वे में लिखा। अगर आप सही तरीके से लिखोगे नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं, राइट? उसके बाद है सी ई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सी ई कहीं पर नहीं दिख रहा है। आप देखो, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो सी ई गुड के लिए होना चाहिए। एक बार आप चेक करो कि स्पिरिट, पिक्चर, हैप्पी, वो तीनों हर जगह पे है। अगर नहीं है तो उसके लिए भी यूनिक, मतलब यहाँ पे और एक यूनिक वर्ड के लिए यूनिक कोड हो सकता है। तो स्पिरिट मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख चुका है और यहाँ पे भी दिख चुका है, पिक्चर मुझे यहाँ पे दिख चुका है, हैप्पी मुझे यहाँ पे दिख चुका है। तो सिर्फ गुड ही था जो यूनिक था और एक कोड सी ई ही है जो कि यूनिक है। तो गुड के लिए तो मुझे मिल गया सी ई, राइट? अच्छा, डाउन मुझे यहाँ पे दिखा था और डाउन मुझे और कहीं पे भी नहीं दिखा, तो डाउन भी यहाँ पे यूनिक होगा। मॉर्निंग मुझे कहीं पे मिल रहा है, हाँ, लास्ट लाइन में मुझे मॉर्निंग मिल रहा है। इनसाइड मुझे फर्स्ट में मिल रहा है और पिक्चर मुझे थर्ड में मिल रहा है। तो डाउन इज़ अ यूनिक वर्ड इन दिस पर्टिकुलर लाइन और उसके लिए जो कोड होगा वो भी यूनिक होना चाहिए। तो डाउन के लिए हम देखते हैं डी ई एल ई टी ई जी ई, तो एल ई नहीं होगा, दिख गया मुझे, टी ई नहीं होगा, डी ई भी यहाँ पे है, तो जी ई इज़ द राइट आंसर। तो सी ई और ई हो जाएगा मेरा क्या, जी ई, ठीक है? और मुझे क्या कोड निकालना है, वे, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा आपके पास जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए, एक पर्टिकुलर वर्ड जो कि आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसका कोड डालूँ ए ई, ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस में आपके पास ये ऑप्शन हो तो आप एक बार देखो, यहाँ पे ए ई ऑलरेडी गिवन है, राइट? बट क्या इस लाइन में वे है? नहीं है, तो ये चॉइस बिल्कुल भी नहीं होगा आपका, कन्फर्म नहीं होगा, क्योंकि ए ई ऑलरेडी इसमें, भले आप उसका डिकोड ना करो जब आप ये सॉल्व कर रहे हो, सारे वर्ड्स आपने सॉल्व नहीं किया, आपको पता नहीं कि ए ई किस वर्ड के लिए है, बट डेफिनेटली ए ई जो है वो या तो इनसाइड, या तो रिजल्ट, या तो हैप्पी, या तो स्पिरिट, इस चार वर्ड में ही एक का होगा। तो वे के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, तो ये अगर मल्टीपल चॉइस में है तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला कि वाई ई, तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो वाई ई कहीं पे है, वाई ई यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी वे, इस लाइन में भी कहीं पे नहीं है। बट मैं बिठा रही हूँ अब जेड ई, ठीक है, तो जेड ई कहीं पे है, जेड ई कहीं पे नहीं है। इट मीन्स जेड ई के बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है जो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन दिया गया। अगर मल्टीपल चॉइस में दो वर्ड्स के लिए एकदम सही कोड दिया गया है और एक अननोन वर्ड के लिए एक अननोन कोड आपको मिल रहा है, तो चॉइस बिल्कुल सही है आपका। तो ये अगर जेड ई है तो ये हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड विन पिक्चर इज कोडेड एज वाई ई एल ई टी ई, देन स्पार्क के लिए क्या है? देखो, इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि ऐसा चॉइस लेना है जिसका अननोन के लिए अननोन कोड, बट यहाँ पे एक वर्ड स्पार्क पूछा गया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ये वाला क्वेश्चन का आइडिया आपको और अच्छे से समझ पाओगे आप। तो इनसाइड विन पिक्चर, इनसाइड के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने बोला था इनसाइड यहाँ पे है और इनसाइड कहाँ पे मिल रहा था मुझे, यहाँ पे, राइट? तो इनसाइड का कोड क्या निकल रहा है, चेक करते हैं हम। इनसाइड रिजल्ट हैप्पी स्पिरिट पिक्चर डाउन मॉर्निंग इनसाइड, तो इन दोनों लाइन में सिर्फ इनसाइड ही है जो कि कॉमन वर्ड है, तो एक ही कॉमन कोड मिलेगा। सो एल ई, एल ई कहीं और है, नहीं है, क्योंकि इनसाइड कहीं और नहीं है, तो इनसाइड का कोड है एल ई, ये हो गया मेरा इनसाइड। अच्छा, वाई ई, नेक्स्ट था विन, विन कहीं पे है, हाँ विन यहाँ पे है, विन कहीं और है ही नहीं, तो इसका कोड भी यूनिक होगा। तो डी ई वाई ई डब्ल्यू ई ए ई, ठीक है। सो स्पिरिट मुझे ऑलरेडी मिल चुका था, नहीं स्पिरिट नहीं मिला था, तो एक बार चेक करते हैं कि विन
कहीं पे नहीं है तो इसका कोड कहीं नहीं है, तो वाई ई, वाई ई कहीं और है, वाई ई और कहीं नहीं है। ओके, डब्ल्यू ई, डब्ल्यू ई कहीं और है, डब्ल्यू ई भी कहीं और नहीं है, तो हो सकता है कि वाई ई हो या तो डब्ल्यू ई हो। ए ई, हाँ ए ई यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक इन दोनों लाइन में ए ई जब मिल रहा है तो कुछ कॉमन भी वर्ड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, तो स्पिरिट है ना, तो स्पिरिट ये दोनों मिल रहा है, स्पिरिट का कोड है ए ई, ठीक है, स्पिरिट का कोड है ए ई, मैं एक बार लिख के रख रही हूँ यहाँ पे। तो मॉर्निंग जो है आपको मॉर्निंग भी, अच्छा मॉर्निंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मॉर्निंग का कोड भी हमें इन दोनों लाइन से मिल जाना चाहिए। अगर मैं चेक करूँ तो मुझे डी ई दिख रहा है, डी ई ऐसा कोड है जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और स्पिरिट विन मॉर्निंग स्पार्क और यहाँ पे पिक्चर डाउन मॉर्निंग इनसाइड में दो मॉर्निंग ही कॉमन है, तो मॉर्निंग का कोड मैं लिख के रख रही हूँ यहाँ पे डी ई है और मॉर्निंग यहाँ पे डी ई है, तो बेसिकली ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा विन और स्पार्क, ठीक है, विन और स्पार्क। तो स्पार्क ऐसा है जो कि कहीं पे नहीं है और विन ऐसा है कहीं पे नहीं है, तो वाई ई और डब्ल्यू ई ये दोनों किसी भी एक के लिए जा सकता है। तो मैं एक बार चेक करती हूँ कि उन्होंने क्या दे के रखा हुआ है, उन्होंने विन को बोला है वाई ई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि आपके पास एक ही लाइन में जब दो अननोन वर्ड्स आएंगे और साथ ही साथ दो अननोन कोड भी आएंगे, दो अननोन वर्ड दो अननोन कोड, आपको पता नहीं है कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड गिवन है, तब ऐसे वाले क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक कोड का एक दिया गया है, इट मीन्स अगर विन के लिए उन्होंने वाई ई गिवन है तो डेफिनेटली स्पार्क के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई होगा, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई। मैं यहाँ पे पिक्चर को चेक नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनसाइड निकल गया, विन निकल गया, तो डेफिनेटली पिक्चर जो है, पिक्चर मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर यहाँ पर डेफिनेटली मिल ही जाएगा, पिक्चर जैसे भी है वो टी ई ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप चेक करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो तो आपको मिल ही चुके हैं। हाँ, कंडीशन ये है कि पिक्चर विन वाले लाइन में ना हो, राइट, पिक्चर जो है वो विन वाले लाइन में अगर होता तो मुझे डेफिनेटली उसको दोबारा चेक करना चाहिए था, बट क्योंकि मेरे पास दो का आंसर आ गया तो थर्ड वाला रेस्ट जो रहेगा वही होगा, बट जो इम्पॉर्टेंट है कि विन बोल दिया इन्होंने और स्पार्क पूछा है, और विन और स्पार्क एक ही लाइन में था और उनके लिए दो अननोन कोड थे, राइट। चलो नेक्स्ट, मॉर्निंग पूछा गया तो मैं मॉर्निंग ऑलरेडी मैं निकाल के रखी थी लास्ट लाइन से, मॉर्निंग का था डी ई। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने उस पूरे लाइन को सॉल्व किया था और तब कोड लिख के रखा था, तो मुझे इजीली वो डिकोड करने में बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट, एम ई कोडेड एस, एम ई कहाँ पे है, एम ई यहाँ पे दिख रहा मुझे, और एम ई कहीं पे और दिख रहा है, एम ई और कहीं नहीं दिख रहा, इट मीन्स कि एम ई के लिए ऐसा एक वर्ड है जो कि यूनिक है इस लाइन में। इनसाइड रिजल्ट हैप्पी स्पिरिट, तो हैप्पी भी मुझे रिपीट हुआ है, स्पिरिट भी हुआ, इनसाइड भी हुआ है, सिर्फ रिजल्ट ऐसा वर्ड है जो कि कहीं नहीं मिला मुझे, तो एम ई कोडेड फॉर द वर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक आर आर बी 2016 का क्वेश्चन था जो कि डेफिनेटली ईजी तो है, बट मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को चूज़ किया, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। नेक्स्ट क्लास में हम अल्फाबेटिकल सीरीज़ और कोडिंग डीकोडिंग के और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।